तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं हम आपका आपके अपने इस रेलवे YouTube चैनल रेलवे इंक्वायरी के एक और नए इंटरेस्टिंग रेल वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं IATTC 2022 का जो फोटो अभी वायरल हो रहा है, उदयपुर अहमदाबाद सेक्शन के वीडियो दोस्तों ऑलरेडी आ चुके हैं काफ़ी सारे YouTube चैनल पर और आप लोगों ने तो वो देख भी लिए होंगे। लेकिन दोस्तों, ये वीडियो मैंने बनाया है एक क्लियरिफाई करने के लिए कि ये जो फोटो है ये ओरिजिनल है या नहीं, इसकी कोई गारंटी जो है वो अभी निकल करके नहीं आई है। फिर भी दोस्तों, ये जो डिमांड है कुछ कुछ मैच करती हुई डिमांड है जो कि IATTC मीटिंग के अंतर्गत में रखी गई है। लेकिन दोस्तों, मैं अभी इसके ऊपर फेक क्यों बोल रहा हूँ, इस फोटो को झूठा क्यों बोल रहा हूँ, उसके पीछे जो रीज़न है दोस्तों वो ये है कि IATTC 2022 की जो मीटिंग होती है दोस्तों, वो उसमें जो ट्रेनों की या फिर जो भी टाइम टेबल के बारे में जो बात की जाती है वो सारे जोन्स को मिला करके बात की जाती है, यानी कि पूरे इंडियन रेलवे के ऊपर बात की जाती है। स्पेशली उत्तर पश्चिम रेलवे के ऊपर बात क्यों की गई है, क्योंकि अभी बाकी जोन्स की जो रिपोर्ट है वो भी निकल करके नहीं आई है। और इसमें देखने वाली बात ये है कि इसमें 2 से 3 ट्रेनें जो हैं वो नॉर्दर्न वेस्टर्न रेलवे से अपोजिट हैं, NCR और WR, यानी कि नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे और नॉर्दर्न वेस्टर्न रेलवे और नॉर्थ ईस्ट रेलवे की भी इसमें एक ट्रेन का संचालन है, जो कि सुबह के वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। हाँ दोस्तों, ये जो ट्रेनें हैं ये डिमांड तो बिल्कुल वही हैं जो पहले भी की जा चुकी है, लेकिन फिर भी देखने वाली बात यह है कि आखिर सिर्फ उत्तर पश्चिम रेलवे की रिपोर्ट ही निकल करके आई है, बाकी जोन से निकल करके क्यों नहीं आई है। इसमें जो डिमांड की गई है दोस्तों, मैंने आपको पहले एक वीडियो में बता दिया है कि अगर उदयपुर से अहमदाबाद के बीच में जितनी भी ट्रेनों का संचालन होगा, जो अहमदाबाद से ओरिजिनेट टर्मिनेट होंगी, सिर्फ वो अहमदाबाद से ओरिजिनेट टर्मिनेट ना होकर के असरवा तक हो सकता है, या फिर असरवा जो है वो इस रूट को हैंडल करने वाला हो सकता है। इसमें जो ट्रेन की डिमांड की गई है सबसे पहले दोस्तों, वो है जयपुर से असरवा तक के लिए एक डेली एक्सप्रेस ट्रेन की डिमांड यहाँ पे रखी गई है अजमेर उदयपुर के रास्ते से। इसके बाद में दोस्तों, उदयपुर से अहमदाबाद एक डेमू, उदयपुर से अहमदाबाद एक एक्सप्रेस ट्रेन, जो कि इंटरसिटी की बात हम लोग कर ही रहे थे, और जयपुर से उदयपुर एक सुपरफास्ट वीकली ट्रेन की यहाँ पर डिमांड रखी गई है, बाई वीकली ट्रेन की डिमांड यहाँ पर रखी गई है दोस्तों। हालांकि इसमें डेली भी दिखाया हुआ है और बाई वीकली भी है। और इसके बाद में दोस्तों कोटा से असरवा के लिए एक ट्रेन की यहाँ पर डिमांड रखी गई है, उदयपुर के रास्ते से होकर के आने वाली। अब ये जो ट्रेनों की डिमांड है दोस्तों, ये तो निकल करके आ गई है। अब इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा, लंबी दूरी की ट्रेनों की डिमांड तो यहाँ पर आपको दूर दूर तक कहीं भी देखने को नहीं मिल रही है। तो आखिर ऐसा क्यों है, क्या इस रिपोर्ट के अंदर आप लोगों को कुछ भी बोलने का हक दिया हुआ है? मतलब कहने का मेरा ये है कि इस लिस्ट के अंदर या इस रिपोर्ट के अंदर उदयपुर अहमदाबाद सेक्शन के अंदर जितनी भी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेनों को यूट्यूबर्स के द्वारा चलवाया जा रहा था विदाउट कन्फर्मेशन, उनका जो जिक्र है वो अभी तक नहीं किया गया है, या फिर सब्सक्राइबर की जो डिमांड थी वो भी अभी तक नहीं दिखी है इस लिस्ट के अंदर। उदयपुर अहमदाबाद, उदयपुर चेन्नई वाया हिम्मतनगर अहमदाबाद का तो दोस्तों जो रिपोर्ट है वो 2020 और 21 की IATTC में है, लेकिन बाकी जो ट्रेनों का संचालन करवाया जा रहा था, मैंने भी काफ़ी सारी ट्रेनों की डिमांड बताई थी जो कि सब्सक्राइबर्स की तरफ से निकल करके आई थी, उनका भी इसमें जो जिक्र है वो नहीं है। अभी देखने वाली बात ये है कि क्या यही जो रिपोर्ट है वो ऑफिशियल है या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ये था आज का हमारा छोटा सा वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, और मिलते हैं अब आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।